कृष्णा। जगन्नाथ महाप्रसाद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भगवान जगन्नाथ के लिए एकादशी स्पेशल बनाने वाली हूँ। साबूदाने का पोहा और कुट्टू, जिसे फाफड़ भी बोलते हैं, कुट्टू के पकोड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो साबूदाने के पोहे में हमें क्या लगेगा, देखिए साबूदाना मैं भिगा कर धुल कर इसे छान ली हूँ। इसका पानी पूरा निकल गया। अगर पानी अच्छे से निकला रहेगा तो ये इसका जो पोहा है वो चिपकेगा नहीं। इसको धुल कर छान ली हूँ। 2 घंटे तक मैंने भिगा के रखा था। फिर अब उसमें पोहे में क्या लगेगा, 1 बड़ा आलू लगेगा, थोड़ा गाजर लगेगा, मैंने 1 छोटा गाजर काट करके रखा है, 1 छोटा सा शिमला मिर्च लगेगा और थोड़ा मूँगफली लगेगा, छिला हुआ मूँगफली है। आप चाहे तो आप कच्चा वाला जो मूँगफली होता है उसे फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला मूँगफली था तो मैं इसे छील करके यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा मिर्ची लगेगा, थोड़ा नमक, सेंधा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा और 1/2 नींबू का रस लगेगा, थोड़ा धनिया लगेगा और थोड़ा सा रिफाइंड लगेगा। अब कुट्टू के पकोड़े के लिए, जो फाफड़ का पकोड़ा है उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू धुल करके काट लिया और इसमें मैंने फाफड़ को मिक्सी में पीस लिया। आप देख सकते हैं, देखिए, इसलिए मैंने मिक्सी से निकाला नहीं, ये फाफड़ है। फाफड़ को मैंने मिक्सी में चला करके उसका फाइन आटा बना लिया। अब इसको पकौड़े में डाल देंगे। ये आटे को देखिए, आटा एकदम बारीक नहीं है, थोड़ा दरदरा है ताकि ये क्रंची थोड़ा बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पे डाल दी, पकोड़े के लिए रेडी कर ली हूँ। और यहाँ थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, नमक, थोड़ा मिर्ची। ये मेरा पकोड़े के लिए रेडी हो गया। अब मैं इसे साइड करती हूँ। अब चलती हूँ इधर ये बनाने। साबूदाने का पोहा बनाएंगे हम। यहाँ मैंने 1 से 1.5 कलछुल मैंने ऑयल लिया है। गैस ऑन करती हूँ। ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया। मैं यहाँ पे जीरा डाल दे रही हूँ, जीरा पड़ेगा। फिर थोड़ा कैप्सिकम डालेंगे हम एकादशी के प्रसाद में। कैप्सिकम और कैरेट, ये कैरेट हम डालें, गाजर डाल रहे हैं, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में मिर्ची भी डाल दे रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एकादशी का प्रसाद है। बनाने के बाद खाने से इसका पेट भर जाता है। मूंगफली मेरा चूंकि फ्राई किया हुआ था तो मूंगफली मुझे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका कच्चा रहेगा तो आप फ्राई कर सकते हैं। इसमें करी पत्ता भी पड़ेगा, करी पत्ता मेरे पास है नहीं, करी पत्ता नहीं डाल रहे हैं। और ये आलू डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा नमक डाल करके, क्योंकि आलू कच्चा है तो इसे नमक डाल करके थोड़ी 2 से 4 मिनट तक हम आलू गलने तक वेट करेंगे। इसको ढक देंगे, तब तक इसको ढक देते हैं। पकौड़े की तरफ चलते हैं। ये आटा मैंने, आटा, नमक, मिर्ची मिलाया था। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, हल्का पानी पड़ेगा तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। थोड़ा पानी मिला करके, जैसे नॉर्मली आप आलू का पकौड़े वगैरह बनाते हैं वैसे ही है, थोड़ा इसमें पानी मिला करके इसको मिक्स करेंगे। जैसे आप बेसन और आलू के पकौड़े बनाते हैं वैसे ही, बहुत ही टेस्टी बनता है। पकौड़े का बैटर तैयार हो गया। ये देखिए, जो फाफड़ का जो आटा होता है वो थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है, उसको अच्छे से बाइंडिंग कर लेता है। ऐसा नहीं है कि इसको बनाने के बाद में ये चिपके ना। अब हम इधर चलते हैं अपने आलू और कैप्सिकम की तरफ।
देखिए बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट में ही हो जाता है। ये आलू देख रहे हैं, ये देखिए हो गया, कट गया, क्योंकि बारीक कटा है तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम मूंगफली मिला देंगे, गरम मसाला मिलाएंगे, मूंगफली मिला दे रहे हैं पूरा। आपके पास कच्चा हो तो आप कच्चा फ्राई करके मिला सकते हैं, और ये हम साबूदाना मिलाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए मेरे पास करी पत्ता था नहीं, इसलिए मैंने करी पत्ता नहीं मिलाया। आप उसे तड़का लगाते समय करी पत्ता मिलाएंगे, जीरा के साथ में करी पत्ता। ये हम लोग एकादशी व्रत तो उपवास का ही बनाते हैं। इसके साथ ये नमक डाल देंगे, नमक डाल करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। इधर पकौड़े की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए छोटा छोटा एकदम क्रंची बनता है। थोड़ा थोड़ा इसमें छोटा छोटा डालेंगे, जब लाल हो जाए तब इसे आप पलटिएगा, तुरंत नहीं। बहुत ही जल्दी बनने वाला चीज़ है। हम भगवान जगन्नाथ को एकादशी में, हर एकादशी में एक अलग अलग रेसिपी लेकर के मैं आऊँगी। और जब भी आप भगवान जगन्नाथ के लिए या व्रत नहीं करवा रहे हैं तो आप एकादशी के दिन आपको अलग अलग रेसिपी, बहुत सारा ऐसा रेसिपी है जिसे आप खाते हुए भी व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन क्या खाएं, इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको बहुत तरह का रेसिपी बताऊँगी। ये देखिए छोटा छोटा डाल दें, कोई भी व्रत आसानी से कर सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम खा सकते हैं। नॉर्मली जैसे पकोड़े होते हैं तो ऐसे इसको भी थोड़ा सा एक साइड का लाल हो जाए तब हम इसे पलटेंगे। मेरा लाल हो चुका है, इसे पलट दे रहे हैं, थोड़ी देर और लाल हो जाए तो निकाल लेते हैं। क्रंची और टेस्टी होता है, भगवान को भोग लग जाएगा ये, और भी टेस्टी हो जाएगा। जो लोग सावन का व्रत करते हैं वो भी इसे खा सकते हैं, कोई भी व्रत में आप इसे खा सकते हैं। ये हो रहा है, अभी इधर देखते हैं, ये हमारा, ये मेरा साबूदाना रेडी हो गया। ये देखिए इसमें हम आधा नींबू मिला देते हैं, आधा नींबू का रस। इसे निकाल करके भोग लगाने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको निकाल कर। मां प्रसाद रेडी है, साबूदाने का मेरा पोहा तैयार हो गया, यहाँ मेरा पकौड़ा तैयार हो गया, यहाँ जैसे जो चटनी यूज़ किए थे बताए थे वही वाला चटनी है ये। यहाँ पे भगवान के लिए थोड़ा सा चटनी रखेंगे और गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया लेंगे। आप देखिए टेस्ट करके, बहुत ही अच्छा बना है, भगवान को भोग लगा कर इसे खा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तुलसी दल भोग लगा करके अब भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।